नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण बैठक अपनी पार्टी की है और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई है। क्या रणनीति बनी है आप लोगों की बिहार को लेकर? आज आम जनता पार्टी राष्ट्र के राष्ट्रीय बिहार प्रदेश और अन्य प्रदेश से कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनका बैठक बुलाया गया पार्टी के द्वारा। इसलिए क्योंकि अभी बिहार में 10 वर्ष के बाद ये जनगणना होती है और इस मौके पर लोगों का मांग है, जनता का मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मेरा कहना है जातिगत जनगणना तो हो ही रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति की जातियां पूछी जाती हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि ओबीसी और ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड जो हैं उनकी जात पूछने में आप परहेज कर रहे हैं, जबकि न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, उसमें बराबर आंकड़ा मांगा जाता है किसी विषय पर, तो सरकार आंकड़ा रखने में क्यों पीछे भाग रही है? इसलिए आज तमाम कार्यकर्ताओं के बीच यह निर्णय हुआ कि 18 सितंबर 2021 को इस बिंदु को लेकर हम लोग मिलर स्कूल मैदान से राजभवन मार्च करेंगे और भारी संख्या में आम जनता पार्टी राष्ट्र के कार्यकर्ता और समर्थक आएंगे, हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। यह आज निर्णय लिया गया है। बिहार में इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक हो चुके हैं। पीएम मोदी से भी मुलाकात भी हुई है सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी की, तो फिर ऐसे आपको नहीं लगता कुछ वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी देना चाहिए? आप को ये जानकारी कहाँ से है यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपने शायद माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार का भी जो आया था वक्तव्य हमने सुना है उसको, उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी के कहने पाया हूँ। इसका क्या माने लगाते हैं आप? इसमें दिक्कत क्या है? अगर तेजस्वी के कहने पे ही आए हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? ये क्यों नहीं कह सकते हैं कि मैं आया हूँ? तो विपक्ष और सत्ता पक्ष एक जगह कैसे है, मैं यह सवाल उठा रहा हूँ। बड़ी डेवलपमेंट ही बिहार के सियासी लिहाज से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों प्रधानमंत्री से मिलते हैं जातीय जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना होनी चाहिए यह मुख्यमंत्री ने कहा है, इससे बहुत आंकड़ा आता है सामने, लेकिन आखिर यह क्यों कहा कि मैं तेजस्वी के कहने से आया हूँ? सवाल यह खड़ा होता है। तो यह बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें है, लेकिन आम जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है इस बिंदु पर कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जातीय जनगणना के पक्ष में आज इस बैठक में निर्णय हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो बता रहे हैं और जो दिखा रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर, वो अलग है एक्चुअल में, तभी आप लोग इन्हें ये बैठक बुलाई और आप लोगों का आंदोलन चलेगा? स्पष्ट है, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आया हूं, मैं तेजस्वी के कहने पर आया हूं। वो बरगला रहे एक तरह से। अब जनता को क्या कह रहे हैं, जनता इतनी थोड़े बुड़बक है, जनता खुद समझ रही है कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो मैसेज दिया, इसलिए हम लोग ने ये समझा कि अब आवश्यक हो गया है कि आम जनता पार्टी राष्ट्र को खुलकर सामने आना होगा और जातीय जनगणना की मांग रखनी होगी। जातीय जनगणना जब हो रही है तो ओबीसी को क्यों नहीं जाति पूछी जा रही है, ईबीसी की जाति क्यों नहीं पूछी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तेजस्वी भी इस मुद्दे को लगातार उठा ही रहे हैं। तेजस्वी अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि यह मुद्दा उठाने योग्य है और उठाना भी चाहिए और जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसे उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को जब जरूरत हो तो सरकार के पास हर चीज़ का डाटा होना चाहिए और हो है, लेकिन सरकार किसी विशेष कारण से जो अभी सत्ता में सरकार बैठी हुई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो है उसका लाभ लेना चाहती और सत्ता में रहना चाहती है। इस कारण हमारा ये सोचना है कि इसलिए सरकार ये जातीय जनगणना पर सिर्फ अपनी बातें जो कह रही है और वो कहती रहेगी और जनता भरमाती रहेगी, लेकिन जनता इस बिंदु पर आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ है और हम लोग भारी संख्या में
18 सितंबर 2021 को मिलर स्कूल मैदान से राजभवन मार्च करेंगे। आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जातीय जनगणना को लेकर अब बिहार में उनका आंदोलन तेज होगा, आगामी 18 सितंबर को वो राजभवन मार्च निकालने वाले हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।